36 लाल बत्ती आपके परिवार में नहीं है। कीर्ति जी आप समाजवाद की बात ना करिए, आप ये बात करिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, उनको धक्का दे के उनको हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब से अखिलेश यादव जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी का गिराव गिरा है, क्योंकि उनको उनके नेताजी उनके वालिद ने दिया था, इन्हीं ने कुछ नहीं किया है, इनको जनता ने नकारा है। चाहे आप देख लीजिए, कहते थे काम बोलता है, तो काम बोलने में आपने देखा 2017 में इन 27 साल बेहाल के साथ इन गठबंधन किया था, फिर मायावती जी को कहते थे हम जेल भेजेंगे, मायावती जी के साथ जो था इन्होंने गठबंधन कर लिया। ये स्वार्थी लोग है समाजवादी, ये परिवारवाद की बात करते, ये आवाम की बात नहीं करते, जिसको जेल भेजने की बात करते जो 27 साल बेहाल का था उससे गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन कमर अली जी आपने बीच में कहा कि अगर आज आप घर से बाहर निकलती है सोने की चैन पहन के तो कहीं ना कहीं आपको अब डर नहीं है, लेकिन इस बात पर शायद मैं आपका समर्थन ना कर पाऊं, क्योंकि मैं मानती हूं कानूनी तंत्र जो है वो पहले से मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि घर से बाहर हम निकले तो बिना डर के निकले, अभी भी इस प्रकार की छुटपुट ये जो घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आती रहती है, जो कि हम दिखाते रहते हैं। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, संतोष द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व आईएएस, उनसे भी मैं सवाल जवाब करूंगी। संतोष द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आखिरकार कमी क्या रह जाती है, ये जो अधिकारी है पद ग्रहण करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो वाकई पद पर आसीन हो जाते हैं फिर आखिरकार क्या हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं? आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है और इसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इधर ऑफ लेट एक नेक्सस डेवलप हुआ अधिकारियों और राजनीतिक लोगों में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और उन लोगों ने ये दिखाया कि अगर उनको एक अच्छा पद चाहिए, एक लाभ का पद चाहिए, तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं 1968, उसके तहत कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई कोई ऐसी बात नहीं है कि एक अजूबा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष ने ये कार्रवाई एनुअली की जाती है और वीआरएस दिया है लोगों को, काफी लोग पाए, लेकिन ये अधिकारी जो पाए हैं वो एक तरह से मिसाल बन गई है। अभी 3-4 दिनों से हम लोग बैठ रहे थे कि अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं, क्या ये कंपल्सरी रिटायरमेंट है या फिर जबरन वीआरएस दिया गया है? नहीं, इसको वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, हाँ। ये फोर्स रिटायरमेंट है, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये एक तरह से वो चाहते थे कि नौकरी करें लेकिन उनको कहा गया कि आप नौकरी में रहने लायक नहीं है, ठीक है, आप अपनी 3 महीने की तनख्वाह लीजिए और अपने घर चले जाइए, आप वर्तमान जिस सेवा में जो पदभार ले रहे हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बैठती है और कमेटी इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख करके तय करती है कि कौन से अधिकारी सेवा में बने रहने के योग्य हैं और किन अधिकारियों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रस्तुति किया है कि इनके विषय में विचार कर लिया जाए। इन लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले स्वतः सिद्ध हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनको नौकरी में बने रहना उचित नहीं होगा और ऐसे लोगों को छांट करके केंद्र सरकार की जो केंद्रीकृत कमेटी होती है वो डीओपीटी, ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास, पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आप इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतोष जी तो कह रहे हैं कि ये सामान्य प्रक्रिया है और 3 महीने का समय दे दिया जाता है, हाथ में वीआरएस थमा दिया जाता है कि आप अब इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं?